तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैंने और वादा किया था कि मैं जो लोकेशन पे आप लोगों को दिन में लेकर के आया था एक बार, वो जो नदी दिखाई थी, आज मैं आप लोगों को उसी नदी के पास लेकर के आ गया हूँ। और मेरा, अगर मानो आप सच मानो कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा अभी। मैं फ़िलहाल, अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट की अपनी, आगे आप देखोगे क्या मेरे को मिलता है क्या नहीं मिलता है। मैं नदी वगैरह सब दिखाऊंगा आपको। और मैं सच मानो बहुत ज़्यादा हिमाकत कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे आप देखो, नीचे दिखाइए भैया कैमरामैन हमारे, नीचे दिखाइए ज़मीन पर, कि नीचे हमारे केवल जो है यहाँ खेत खलिहान है और कुछ भी नहीं है। और कोई भी आ सकता है, ये तार किस चीज़ का है मेरे को पता नहीं। और यहाँ से हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, तो तार लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये तार लगा हुआ है, इसके अंदर जाते हैं हम, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे रात में मनाही है। और संजय भैया, यहाँ पे शायद हम लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग आए हुए थे, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। और आपको सबसे पहले जो हमारा दिखाने का काम है वो है गूगल टाइम, क्योंकि ये वीडियो मैं हमेशा नहीं बना सकता यार गूगल टाइम के हिसाब से। और यहाँ मैं घर से बहुत दूर आ गया हूँ, इतनी परमिशन घर से मेरे को भी नहीं मिलती है कि मैं डेली आपको गूगल टाइम पे ही शूट करके दिखाऊं। लेकिन मैंने चूंकि आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आपको गूगल टाइम पे कुछ करके दिखाऊंगा या कहीं जा करके दिखाऊंगा, आज मैं रिस्क लेकर के आया हूँ। और ये देखिए, मेरे साथी के हाथ में डंडा भी है, डंडा दिखाओ भाई इनको, ये देखिए मेरे साथी के हाथ में डंडा है, ठीक है। और ये डंडा केवल इसी वजह से है क्योंकि यहाँ मुझे भी उम्मीद नहीं, मेरे लिए ये नई लोकेशन है। यहाँ के गाँववासी या कोई भी अराजक तत्व अगर मुझे दौड़ा लें या कोई जानवर हो तो यार मेरे ऊपर बात बन सकती है, ठीक है ना। और मैं निवेदन करता हूँ अपने भाई से कि ये आपको गूगल टाइम दिखाए, तो ये है मेरा गूगल टाइम, ठीक है ना। और मैं आपको दिखा दूँ, मैं देखो लोकेशन भी दिखा रहा हूँ, मेरा साथ वाला बंदा, जो आप सोचो कि बाद में यार कुछ और शूट करके दिखा दिया, तो मेरे साथ वाला बंदा भी और मैं भी हूँ, ये देखो, ठीक है ना। और ये हमारा गूगल टाइम है, ठीक है, 11:24 हो चुका है और हम लोग यहाँ पर खड़े कहाँ हैं, ये देखो आप दूर दूर तक, संजय भैया दूर तक कैमरा मारो जहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये देखो बिल्कुल अंधेरा, कहीं कुछ भी नहीं है, वही लोकेशन पे आए जहाँ पर आपको उस दिन हम लोगों ने वो दिखाया था हॉन्टेड नदी, ठीक है ना। और उस दिन भी आपको ये मंदिर दिखाया था हमने। और आगे चलते हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, केवल डर है एक चीज़ का, तो गूगल टाइम आपको मैं दिखा सकता हूँ। और आगे चलते हैं, नीचे दिखाते रहो भैया, और नीचे ज़मीन पे दिखाते रहो केवल, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा जो है उस चीज़ का है जो मुझे और आपको सबको, नाम लेना उचित नहीं कहते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि नाम उस चीज़ का रात में नहीं लेना चाहिए। और आपको सीधा ले चलते हैं हम हॉन्टेड नदी पर। तो अभी मैं इसको, ये मैंने बैक कैमरा ऑन कर रखा, मैं उसका जो है राइट कैमरा, इसका फ्रंट कैमरा जो है ऑन कर लेता। संजय भैया थोड़ा सा लाइट मेरे ऊपर दिखाइए, नहीं वरना जो क्वालिटी है वीडियो की वो चेंज हो जाएगी। और एक्चुअली क्या है कि हम उन पे बहुत सारे सवाल उठाते चले आए हैं, अब तक बहुत सारे जो क्रिएटर हैं उन पे सवाल उठाए मैंने। मैं नहीं चाहता कि यार मेरे ऊपर कोई सवाल उठाए, मैंने गूगल टाइम के साथ में ये दिखाया आपको। अब उस नदी की तरफ थोड़ा सा मारिए और आगे क्या है क्या नहीं है ये आपको दिखा देते हैं हम। ये देखो आपको दोस्तों दिख रहा, वो नदी है, मेरी लाइट यहाँ पर ज़्यादा कवर नहीं कर पा रही है। और एक्चुअली हम लोग डरते हुए थोड़ा आए, डंडा लेकर के आए, ठीक है ना। ये है नदी, आपको दिख रही है, ये नदी है वो जो उस दिन रात में, और उस दिन रात में हम लोग जहाँ पर आए थे वो ये नदी है, ठीक है ना। ये मेरे पीछे आपको दिख रही है, संजय भैया थोड़ा यहाँ पर खड़े होइए आकर के, क्योंकि नदी पूरी तरह शो नहीं हो रही, नदी दिखाइए, ये देखिए, और थोड़ा सा पीछे आइए, ये नदी है मेरे सामने, ठीक है ना। और ये देखिए, एक मिनट, ऐसे खड़े रहिए आप, ये पूरी तरह मैं अपने आप को फोकस कर लूँगा। ये देखिए नदी दिख रही है आपको, ये नदी है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको लाना चाहता था, ये है लोकेशन। और अब आपको बताता हूँ यहाँ की हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। हिस्ट्री ये है यहाँ की कि भाई डंडा लिए हो ना, हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मैं बता दूँ आपको कि मैं एक बहुत बेजोड़ गांव में हूँ, और यहाँ पर कहते हैं कि गांव वाले पता भी नहीं चलता कब किसको दौड़ा लेते हैं, पता नहीं चलता है, ठीक है ना। और वैसे भी यार हम लोग रात में आए तो उनको यही लगेगा कि हम लोग कुछ अराजक तत्व हैं,
तो मैं नहीं चाहता कि किसी को इसको दिखाइए क्या है यहाँ पर। मलवा, मलवा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं यार दोस्तों, आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ की जो हिस्ट्री उस दिन हमारे संजय भाई ने बताई थी आपको, ज़रा संजय भैया लाइट देना एक मिनट हमारे यहाँ पे, और हमारे जो संजय भैया हैं वो इस समय हमारे कैमरा मैन बने हुए हैं। और ये देखिए, ये हमारे संजय भैया उसी दिन आपको दिखे थे ना, ये हमारे साथ में आए हुए हैं। आज इन्होंने लाइट पकड़ी हुई है हमारी, और लाइट हमारी आ चुकी है। तो लाइट इन्होंने कहा कि यार मैं कैमरे में नहीं आना चाहता, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आना चाहते और मैं इनको फोर्स भी नहीं कर सकता। तो ये आज हमको बताएंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो संजय भैया यहाँ का क्या है, हिस्ट्री आपने पढ़ी थी, थोड़ा सा यहाँ हमारे जो है दर्शकों को बता दोगे तो अच्छा लगेगा, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं। नदी में ये बोला जाता है भैया कि यहाँ पर नदी से अगल बगल कुछ इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं कि लोग यहाँ पर रात में आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लोगों ने आते जाते। थोड़ा सा संजय भैया तेज बोलिए क्योंकि माइक मैंने लगाया नहीं है, जो सत्य बात है। और आप भी देख रहे हो कि बिना माइक के इसमें शूट जो होगा उसमें आवाज़ कम आएगी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ मेरे ऊपर सवाल उठने लगेंगे तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई सवाल। नदी की ये मान्यता है, हाँ जी, कि यहाँ पर रूहें वास करती हैं, रूहें वास करती हैं, वास करती हैं। तो दोस्तों आपको बताएं, संजय भैया ने हमको बताया, और संजय भैया ने क्या, एक्चुअली मैंने भी कई लोगों से इस चीज़ के बारे में सुना है कि यहाँ पर इस तरीके के लोगों का मत है ऐसा कि यार यहाँ कई बार इस तरीके, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, आज भी जंगल है लेकिन जब कुछ नहीं बस्ती होती थी यहाँ से किलोमीटरों में, जब कोई बस्ती नहीं हुआ करती थी तब यहाँ पर मर्डर हुआ करते थे। और लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो इनके मर्डर होते थे उनकी रूहें भटकती हैं इस नदी के पास। मैं नदी में एक बार कैमरा दिखाई संजय भैया, और मेरे ठीक पीछे यह नदी है, ठीक है ना, आज भी लोग यहाँ मिट्टी, ये देखिए ये नदी आपको शायद दिख रही होगी आई थिंक, कि ये मेरे पीछे, ठीक है ये नदी है, इस पर आज भी लोग बोलते हैं मार के फेंका जाता था लोगों को। तो मेरा काम फेक दिखाना नहीं भाई, मैं आपको एक बार फिर से गूगल टाइम दिखाता हूँ ताकि आप लोग को भरोसा हो सके कि यार मैं जो भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये मैंने आज तक किया नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूँ यार, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मेरी डेली डेली रात में निकलने की यार हिम्मत नहीं है, और ना ही मेरे घर से मेरे को परमिशन मिलती है, ठीक है। लेकिन आज मैं निकला हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, एक मिनट भैया गूगल टाइम इंडिया खोलिए, और ये देखिए ये आपके सामने मोबाइल है। फिर से आपको जो उल्टा, यार मैं फ्रंट कैमरा, मेरे पास कैमरा DSLR वगैरह नहीं है भाई, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है, और ये हमारे मित्र का है जो जिनको आप देख रहे हो, अजय भैया नाम है इनका, अजय यादव जी, और इनके मोबाइल से मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ। तो इस पे आप शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको, आप समझ जाइए कि यार 11:30 के आसपास है। और इसको आप, मैं रिफ्रेश करके, अगर आप कहोगे तो मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए ये टाइम आपका 11:30 के आसपास का, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए बारिश भी होने लगी, और बारिश यहाँ होने लगी है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, एक मिनट, ये देखिए 11:31 हो रहा है, ठीक है ना। यार ज़रूरी नहीं कि यार 12 बजे और 2 बजे ही हमको यहाँ आना है, मैं 11 बजे भी आ गया हूँ तो बड़ी बात है, ठीक है ना। उसको एक ही बार कर सकता हूँ मैं, बार बार नहीं कर सकता हूँ। और बाकी आपको दिखा दूँ आगे का व्यू, दिखाइए संजय भैया, यहाँ केवल खेत है, ये आप लोग देख सकते हो, केवल खेत है दूर दूर तक, और कुछ भी नहीं है। और लोगों का ऐसा मत है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ यार कि लोग गलत बोल रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि यार भूत प्रेत और जिन्नात जो भी होते हैं मैं उनको मानता हूँ, ये मेरा अपना मत है कि मैं उनको मानता हूँ, मैं उनको गलत नहीं साबित कर सकता कि यार वो गलत होंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ मैं। तो दूर दूर तक संजय भैया यहाँ जहाँ तक रोशनी जा रही वहाँ तक दिखाइए आप, और ये देखिए, ठीक है ना। तो भाई अब अगर आपके इसके बावजूद भी कोई सवाल हो या कुछ भी हो, ये क्या है, हड्डी है जानवरों की, ये देखिए दोस्तों ये क्या पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ये इस तरह से डंडा दिखाइए मेरे को, ये देखिए। अब आप लोग कहोगे यार ये मैं फेक कर रहा हूँ क्या, ये फेक नहीं है, मैं रात में यहाँ 12:45 पे बैठा हुआ हूँ, और ये देखिए आपके सामने क्या, मैं डंडे से पकड़, मैं हाथ से पकड़ नहीं सकता यार, और ये मेरे हाथ में देखो क्या है, ये है हड्डी, ठीक है ना, ये है हड्डी।
अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग, ये हड्डी है, मैं लिए हुए हूँ, ठीक है ना, ये देखिए ये हड्डी लिए हुए हूँ। तो ऐसा कुछ कमेंट में मत बोला करो भाई, सबके अपने घर की प्रॉब्लम होती है। आप लोग के कमेंट से कभी कभी बहुत दिल उदास हो जाता है मेरा। आप लोग इस तरह की कमेंट बोलते हैं, तू भी जा और 10 बजे के बाद जा, 12 बजे के बाद जा, शूट कर जाकर, ऐसा नहीं पॉसिबल है भाई, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये हड्डी अभी यहाँ पर गिरा देता हूँ, ठीक है ना। तो बस ये मजबूरी अपनी थोड़ी सी समझा करिए। हर चीज़ मेरा काम एनालिसिस करना है, वो मैं उसमें मैं निपुण हूँ, और किसी का किसी को ब्लेम भी नहीं करता हूँ, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, वही मैं करता हूँ। यहाँ पर आकर रात में 12 बजे के बाद या 12 बजे या 11 बजे आकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, मैं सच बताऊँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आदमी अगर घर से 11-12 बजे के बाद निकलता तो मेरी नज़र में वह बेवकूफ़ है यार। क्योंकि भूत अगर आना होगा तो वो आपको दिन के समय भी जो है ले डूबेगा, आएगा अगर तो ले डूबेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कोई रात नहीं चाहिए होती भूत के लिए, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो एक बार खड़ा हूँ, अब नहीं आऊँगा यार, सच बताऊँ अब नहीं आऊँगा, कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ आऊँगा, एक आध बार और आऊँगा, अगर आप लोग की कमेंट आई और किसी लोकेशन को आप लोगों ने बोला तो मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं, और उसके लिए टाइम दीजिएगा मेरे को। पर मेरा असली कहने का मतलब ये है कि मेरा जो काम है एनालिसिस करने का, वो मुझे करने दीजिए, लेट मी डू माई वर्क, ओके। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। क्योंकि कहीं पर भी ज़्यादा खड़े होना, ज़्यादा रुकना ठीक नहीं, ये सही कह रहे हो संजय भैया। और इधर आप दिखाते रहिए आगे, और ये लोकेशन आप लोग पहचान लीजिए, वरना आप लोग कल को कहोगे यार किसी और लोकेशन पे आ गए, ये वही लोकेशन है। रात में आपको पूरी तरह नहीं दिखेगी भाई, ठीक है ना, पर रात में मैं अगर आया हूँ लाइट, अब मेरी लाइट देखो, मेरे को इतना अनुभव नहीं है कि लाइट यार किस तरह से काम करती है, किस तरह से नहीं, कितनी काम कर रही कितनी नहीं कर रही है, मेरे को अनुभव नहीं है। हो सकता है मैं छोटा यूट्यूबर हूँ आपकी नज़र में, लेकिन संजय भैया मुझे लाइट मत दिखाइए, आप आगे दिखाइए केवल, मैं देख लूँगा। तो कीड़े यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, मेरे मुँह पे पड़ रहे हैं, जंगल है तो कीड़े होंगे। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से तार बांध रखे हैं, ठीक है ना, खेत वालों ने, और नदी के किनारे ये पता नहीं किसके खेत हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सही किसी की सिक्योरिटी के अंदर आना उचित बात नहीं है। और इसको थोड़ा सा उठाइए, मैं निकल जाता हूँ। तो आइए भैया, चलो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यार, कि ये देखिए, आपको मैं यार अपना फेस नहीं दिखाऊंगा आज, मैं केवल वही दिखाऊंगा जो सत्य है। भैया हाँ, ये क्या है यहाँ पर? वही नदी का हिस्सा एक है। अच्छा, ये देखो, ये एक नदी का एक ऐसा हिस्सा है, यहाँ थोड़ा सा रोशनी मारिए संजय भैया, ये एक नदी का ऐसा हिस्सा है जो जम गया है, थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं आपको, वरना और मेरा चेहरा नहीं दिखेगा आपको। ये किनारा है, ठीक है, और ये ऊपर नीम का पेड़ है, बाकी क्या है क्या नहीं है, खजूर के पेड़, टोटल जंगल, ये खजूर के पेड़। वो जगह है जहाँ पर वो लोग आके चहलकदमी करते हैं, जहाँ पर देखा गया है, लोगों का ऐसा कहना है ये वो जगह। अच्छा, यहाँ फेंके गए मार करके? नहीं, यहाँ पर वो जो आत्माएं हैं वो ऐसा लोगों का बोलना है, गांव वालों का, इसी नहीं यहीं पर देखते हैं, इन पेड़ों पे घूमते टहलते बातचीत करते, और हम लोग इस टाइम यहाँ इसी वजह से खड़े हैं, जिस टाइम पर लोग ज़्यादातर अक्सर बोलते हैं कि 11-12 बजे लोग यहाँ आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आत्माएं, मतलब ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है, हमने भी सुना है। हमारे अजय भाई का बोलना है कि यहीं पर जो है, संजय भैया थोड़ा लाइट दिखाना मेरे को। देखो दोस्तों भाई, मेरे को लाइट का अभी यूज़ करना नहीं मालूम है, तो मैं खुल के बता देता हूँ यार, मेरी लाइट अभी आई है, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं घर पर बैठ के एनालिसिस करता हूँ, पहली बार आप लोगों के कहने पर एनालिसिस के अलावा ये मैं ब्लॉग रात में करने आया हूँ, और बड़ी मुश्किल से मेरे को यार परमिशन मिली है। तो अब आपको इसके बावजूद भी अगर कुछ कहना हो तो आप लोग कह सकते हो, पेट भर के गालियाँ दे सकते हो, और बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है यार, आप लोग हो तो मैं हूँ, बाकी नहीं हूँ। देखिए, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत गंदी नहीं है भाई। मकड़ी दिखाइए, कहाँ है मकड़ी? ये दिखाइए, ये देखिए, ये आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रही होगी, ये देखिए, ये पानी में छुप रही है, ये जा रही है। अरे यार ये भाग गई भाई। तो ये और ये चीटे हैं, ठीक है ना। तो बस यार
इतना ही आप लोगों के लिए कर सकता था मैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और संजय भैया एक बार आपसे हम और निवेदन करेंगे कि एक बार दूर तक लाइट दिखाइए, और थोड़ी सी लाइट तेज हो जाए तो तेज करके दिखाइए। ये देखिए ये वही लोकेशन, ठीक है ना, वही लोकेशन पर मैं आया हुआ हूँ जहाँ पर आप लोगों को मैंने दिन का शॉट दिखाया था और नदी भी दिखाई थी, तो वो नदी मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। और यहाँ इस समय दूर दूर तक आप देख सकते हो कोई नहीं, मेरे साथ मेरे अजय भाई हैं और हमारे जो वो भी मित्रगण हैं कैमरामैन हैं, मैं उनका भी नाम लेता हूँ यार। यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे हैं जो नाम नहीं लेते अपने कैमरामैन का, ठीक है ना, वो अपने कैमरामैन की तोहिन करते हैं एक प्रकार से, वो खुला बोलते हैं कि हमारे कैमरामैन हैं। यार मेरे मित्र हैं वो, मैं उनका खुला नाम लेता हूँ कि वो संजय भाई हमारे मित्र हैं, वो हमारे साथ हैं। इसमें क्या चोरी भाई, क्या चोरी, क्यों करते हैं वो लोग ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन हम तीन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये सत्यता है। बारिश अब आप ये मत कह देना यार कि तीन लोग आए हो तो क्या भूत मिलेगा, भाई भूत नहीं मिलेगा यार, और मिलेगा भी तो जो कुछ करना होगा उसको कर ही लेगा ना, वो कोई रोकता नहीं उसको, किसी को तो दिखावा नहीं करना आप चाहिए। आप एक थोड़ा सा पब्लिक से डिमांड करिए कि जहाँ इनको लगता हो हिंदुस्तान के किसी कोने में आपसे बोले, थोड़ा सा अपने ऊपर लाइट करिए संजय भैया, और आपको यही बात बोलिए आप क्या बोलना चाहते हो। देखो हमारे संजय भैया कुछ कह रहे हैं, इसको सुनिए। नहीं आप इसको थोड़ा सा मजाक में मत लीजिएगा, मेरी बात को सीरियस लीजिएगा कि आपके जो भी फॉलोअर हैं जितने भी हैं, हाँ। मेरा उनसे निवेदन है कि आपको हिंदुस्तान या दुनिया के जिस कोने में भी लगता हो कि यहाँ पर कुछ इस तरह का है, ठीक है, आत्माएं हैं, जहाँ आदमी को साया दिखता हो, तो हम ये आपसे गुजारिश करेंगे आप वहाँ चलिए हमारे साथ, हम भी देखना चाहेंगे इस चीज़ को कि है क्या आखिरकार ये। तो आप लोग शायद समझ रहे होगे कि ये क्या बोले, ये कह रहे हैं कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अगर हम लोगों के पास टाइम होगा भाई मैं बिल्कुल जाऊंगा घर से, मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं ले लूंगा परमिशन घर से ले लूंगा। जब हम लोगों ने ठानी है कि आपके वहम को दूर करना है तो फिर हम लोग इस चीज को करेंगे करेंगे पूरा, लेकिन आप बोले तो कि जाना कहाँ, आप बोले तो आप देखिए कमेंट आप लोग करते हैं, बड़ी तकलीफ होती कमेंट पढ़ करके। चलिए वो सब तो पब्लिक का एक हिस्सा है। मैं अब निवेदन करूं संजय भैया से कि वो आगे प्रस्थान करें लाइट लेकर के, वरना अंधेरे में बढ़ नहीं सकता मैं। चलो भाई संजय भैया चलो भाई, ये मैं दिखाता रहता हूँ सर। उस तालाब में भी है भैया, उस तालाब में भी लोग बता। संजय भैया एक मिनट मेरे ऊपर लाइट दिखाना जरा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं अपने वीडियो को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, लेकिन अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं आपको और भी ऐसी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर कुछ कहानी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को अपने पॉज मारता हूँ, क्योंकि यार लाइट में मैंने पहली बार लाइट मंगाई, वो चार्ज नहीं ज़्यादा, उसको चार्ज मैं थोड़ी सी लाइट है उस पर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो आगे चल के आपको दिखाता हूँ।